छठ के महान पर्व की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सब्जियों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और हम अभी खड़े हैं बिहार की राजधानी पटना के एशिया के सबसे बड़े मंडी सब्जी मंडी मीठापुर में है। और आप देख सकते हैं कि कद्दू जिस तरीके से, जो कि दूसरे राज्यों से यहाँ पहुँचा है कद्दू, जिस तरीके से कद्दू का खास तौर पे अहमियत होता है छठ के महान पर्व में, और जो है कि आज से इसकी खरीदारी की शुरुआत हो चुकी है। और यहीं से पूरे मंडी में, मतलब समझ सकते हैं कि पूरे बिहार के कोने कोने में जो है कि सप्लाई जाती है, और ख़ास तौर पे जो कद्दू है वो जो है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये होलसेल में मतलब यहाँ माल है, अब बड़ी संख्या में अगर देखें तो लोग यहाँ पर लेने भी आ रहे हैं। और इस तरह हम आपको दिखाना चाहेंगे सब्जियों को जिस तरीके से अहमियत है, बहुत सारी सब्जी जो है कि पूरे बिहार में सप्लाई यहीं से होती है, दूसरे राज्यों से जो है कि लाया गया है। इसमें जो है कि जो नए तरीके का जो आलू है वो भी मार्केट में आ चुका है, आपको जो है कि शकरकंद है जो कि उड़ीसा से आया है, आदि है वो भी जो है कि भुवनेश्वर से लाया गया है। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से सब्जी मंडी में पूरे बिहार के कोने कोने से जो है कि जो लोग हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, यहीं से लेकर जाते हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो ये देखिए आदि है जो कि दूसरे राज्यों से यहाँ पर लाया गया है, और बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि मीठापुर में लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। और जो है कि जो माहौल यहाँ पर है पूरी तरीके से हम देखें अगर तो भक्तिमय होता दिखाई पड़ रहा है। इस तरफ भी देखें आपके जो है कि जो बड़े पैमाने पर जो है कि जो नए तरीके का जो आलू है वो यहाँ पर लगा है, और यहीं से सप्लाई जो है कि पूरे बिहार के कोने कोने में हो रही है। और ख़ास तौर पर जो शकरकंद है इसकी भी काफ़ी अहमियत है, छठ के मौके पर ख़ास तौर पर लोग इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो यहाँ ऑनर है इस जो है कि पूरे जो है कि सब्जी मंडी में जो सप्लाई देते हैं ख़ास तौर पर माल पूरे बिहार के कोने कोने, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि ये जो खास क्या क्या मंगवाया है छठ के मौके पर? आज हम लोग छठ के शुभ अवसर पर, पहले आज कद्दू कमाने में बिक्री रहते हैं सर, यहाँ खाए का दिन है तो कद्दू का ज़्यादा बिक्री रहता है, नया आलू का बिक्री रहता है, पंजाब में पंजाब की आलू आ रही है, उड़ीसा की आलू आ रही है, ये सब हम लोग बाहर से मंगा के पूरे बिहारवासी को माने में हम लोग देते हैं। ये थोक मंडी है, बहुत पुरानी मंडी है, और यहाँ से जितनी भी थोक माने में पूरे बिहार में हम लोग ट्रक मंगा के छोटे छोटे मंडी में, छोटे छोटे इलाका में हम लोग देते हैं। और आज लौकी की और आलू की बिक्री है, उसके बाद कल शकरकंद की, और कल के बाद फल की बिक्री रहेगी, उसके बाद फिर दो दिन माले में सब्जी का बिक्री रहती है, जो छठ में माले में सब्जी का ज़्यादा डिमांड होती है, नया आलू का, कद्दू का, ये सब टमाटर का, ये सब का थोड़ा डिमांड होती है, तो छठ में थोड़ा सा माले में बहुत सस्ते। रेट का क्या स्टेटस है, महंगाई है कि नहीं? सस्ताई है माले में, आलू माले में बिक रही है 22 रुपये 20 रुपये किलो बिक रही है, 22 से लेके 24 रुपए किलो थोक बिक्रेता बेच रहे हैं हम लोग। शकरकंद हम लोग 20 रुपए 22 रुपए किलो बेच रहे हैं, लौकी माले में 10 रुपए 12 रुपए किलो बिक रही है, छठ के कारण थोड़ा सा ज़्यादा लोग मंगाया बढ़ चढ़ के, कि थोड़ा पर्व है सब कस्टमर को मिलना चाहिए, इसी हिसाब से मार्केट में सब चीज़ सस्ता बिक रही है, कोई ज़्यादा मार्केट में उछाल नहीं। हाँ सब साफ है, लोगों को फ़ायदा नज़र आ रहा है, जिस तरीके से महंगाई की मार देखी जाती थी हर वर्ष, इस बार जो है कि खास तौर पर अगर देखें तो यहाँ जो है कि सब्जी जो मार्केट में आ रहे हैं जो बाहर से, लोगों को खास तौर पर सस्ता दिखाई पड़ रहा है। और चलेंगे हम मार्केट, और भी होलसेल मार्केट आपको खास तौर पर हमने दिखाया, और बाज़ार भी चलेंगे, वहाँ भी मुकम्मल तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, कस्टमर से भी हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर मार्केट का क्या कुछ हाल है। अब हम मार्केट में पहुँच चुके हैं, और आपको बता दें कि छठ पूजा के खास मौके पर जो कि सब्जी के साथ साथ फल की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। यहाँ पर सब्ज़ी में अगर कहें तो फूलगोभी भी जो है कि आ रहा है, और काफ़ी बिक्री भी इसकी तेज़ी से बढ़ रही है। और इस साइड में अगर देखें तो नारंगी है, ये अनानास है सिल्लीगुड़ी से जिसे लाया गया है, तो ख़ासतौर पर हम कह सकते हैं कि देखिए ये बड़ा नींबू है जो कि गगड़ा लेम्बू भी इसे कहते हैं ख़ासतौर पर, इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है छठ के ख़ास मौके पर जो है कि। और ये जो है कि अनारस का भी जो है कि काफ़ी जो है कि मतलब महत्व है, और ये बाज़ार में तेज़ी से इसकी बिक्री हो रही है, लगातार लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे जो मेन यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कहाँ से ये माल आया है, क्या ये माल आया? सिल्लीगुड़ी से, अनारस है, ये आया महताब, ये आया मुजफ्फरपुर से, और आया कोबी इटावा से,
₹10 किलो भाड़ा है, ₹10 किलो यहाँ बिक रहा है। कैसा मार्केट, कैसा आप लोगों का मार्केट? तो अभी बहुत डाउन है, बाजार में दम नहीं है। कल के देखिए बाजार सही होगा तो हर इंसान उम्मीद पे जिंदा। हाँ, तो उम्मीद करते हैं जी, उम्मीद करते हैं बाजार मार्केट बढ़िया रहे। जी जी उम्मीद करते हैं। हाँ। मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं फायदे के लिए, होगा अभी बाजार पिटा ले। गोभी में अभी इसमें ₹10 किलो भाड़ा लग रहा है। इटावा से गाड़ी आया कानपुर के आगे से, यहाँ बिक रहा ₹10 किलो। अच्छा। अनारस आया सिलीगुड़ी से, ₹35 किलो खरीदारी है, ₹30 पीस यहाँ बिक रहा है। अच्छा। अभी के डेट में अमरूद आया बंगाल से, ₹40 पड़ रहा है, 40-42 यहाँ भी बिक रहा है। मैया से उम्मीद करते हैं कि मतलब उम्मीद बहुत है, कमाएंगे, आए के बाजार पिटा ले, कल के सही रहे। जी चलिए साफ है, उम्मीद बहुत है और हम भी उम्मीद करते हैं कि मार्केट में लोग आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। खास तौर पर जिस तरीके से अगर देखें तो छठ के खास मौके पे जो महान पर्व है ये खासकर पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन बिहार से जो ताल्लुक़ है छठ का ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और बिहार के लोग देश और दुनिया में जहाँ पर भी हैं वो छठ पूरी तरीके से मनाते हैं। और आज का जो बाज़ार है ये शुरुआत हो चुकी है और पूरी राजधानी के हैं, पूरे देश के हैं, पूरा पटना हम कह सकते हैं कि अभी से ही भक्तिमय की शुरुआत हो चुकी है और तमाम लोग जो है कि भक्ति में डूबते नज़र आ रहे हैं। बाज़ारों में रौनक बढ़ गई है और तमाम जो है कि घाटों का जो सफाई है उनका काम भी शुरुआत हो चुका है। बाज़ारों के बाद और कुछ खबरों को आपको मुकम्मल तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे और फिलहाल अगर देखें तो बाज़ारों की रौनक और भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ आफ्ताब आलम, न्यूज़ 22 स्कोप, पटना। हर्ष रीजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 एसी एंड नॉन एसी रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स, होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, स्वर्ण रेखा पुल, हटिया, रांची। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं पिकनिक स्पॉट, जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।